नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। सो आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आज SMU जो मेरी यूनिवर्सिटी है, SMU मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई है फॉर दिवाली। सो वी आर हेयर एंड आई होप बहुत मज़े आएंगे एंड आई वॉन्टेड यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। थिएटर कॉल अबाई थिएटर एंड बहुत ही सुंदर है ये। इसके अंदर ही आज हमारी फंक्शन होने वाली है। सो सम ऑफ द जूनियर्स आर गोइंग टू परफॉर्म। Yathamanna
Namaste. Happy Diwali. Happy Diwali. I wish you a lot of happiness, fortune, success to you and your families. Be happy. Happy Diwali. Happy Diwali. Thank you. वेलकम बैक अगेन एवरीवन. अभी हम घर पे आ चुके हैं आफ्टर द पार्टी एंड यस, हमने खूब इंजॉय किया. आई होप आपने भी इंजॉय करा होगा. आई ट्राई टू कीप इट वेरी रियल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई डोंट नो ये वीडियो कैसा जाएगा. आई डिडंट वॉन्ट इट टू बी वेरी शोई. मैं चाहती थी कि जैसा मेरा दिन जा रहा है वैसा ही मैं आपको शो कर पाऊँ. आज एक्चुअली मेरी क्लास भी थी, उसके बाद पूजा करके फिर उसके बाद मैं रेडी होके गई थी फॉर द पार्टी. एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये बहुत ही प्यारा सा खादी का सूट मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था. सो आई सेव्ड इट फॉर दिस स्पेशल ओकेशन. मैं चाह रही थी मैं दिवाली पे ही इसको पहनूँ. सो थैंक यू वेरी मच दी फॉर गिफ्टिंग दिस टू मी. एंड मुझे खादी की चीज़ें बहुत पसंद है लिटरली. स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब हम वहाँ पे गए थे वेन्यू बहुत ही सुंदर था. और फिर उसके बाद सबसे पहले तो आरती हुई थी, फिर नेशनल एंथम हुआ, डांसेस हुए, सिंगिंग हुई, पोएट सब कुछ लोगों ने कविता भी सुनाई थी. एंड तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. एंड आई मस्ट से दैट एवरी परफॉर्मेंस वॉज जस्ट स्प्लेंडेड. बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. एंड आई एम श्योर उन्होंने बहुत मेहनत की होगी. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया. बहुत ही, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे. बट मैंने बहुत इंजॉय करा एंड आई वॉज सो प्राउड. आई वॉज वेरी मच प्राउड टू सी एवरी वन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया डांस के थ्रू. और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. मैं बहुत इमोशनल हो गई थी एट अ सर्टन पॉइंट. आई लव बींग एन इंडियन एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट. तो सबको एक साथ यूनाइटेडली इंजॉय करते देख मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एवरीबडी वॉज बींग अ पार्ट ऑफ इट. जो कि नॉन इंडियंस भी थे, कजाकीज थे, वो लोग भी थे. हमारे टीचर्स, हमारे रिस्पेक्टेड डीन मैम सभी वहाँ पे थे और सभी ने हिस्सा लिया. ना केवल हिस्सा लिया बट उन्होंने हमारे कल्चर्स को भी रेस्पेक्ट दी. एंड दैट मीन्स अ लॉट. थैंक यू एवरी वन फॉर बींग सो काइंड एंड बींग देयर. तो दिवाली हर साल एक जज्बात की तरह आती है. कभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कभी दुखी होके भी बहुत खुश होती हूँ मैं. और क्योंकि यू नो, जब आप घर के बाहर आए हुए होते हो ना, तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हो. सो खिड़की के बाहर देखना और फटाके फूटते हुए इंजॉय करना, वो समथिंग एल्स. हम जब घर पे होते हैं तो फिर सबसे पहले तो हमारी शुरुआत ही सुबह पूजा से होती है. दिवाली आने के भी पहले, उसके पहले सफाई होती है और फिर उसके बाद पूजा होता है. फिर हम नए नए कपड़े पहनने का इंतज़ार करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं. फिर शाम को पूजा होती है और उसके बाद हम पटाखे फुटाने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं. मतलब पापा का, भैया का, वो पटाखे लेके आते थे और फिर हम सारे मिलके पूरा फैमिली हम छत पे जाते थे रात को और फिर हम पटाखे जलाते थे, अनार एंड चरखे. एंड वी यूज़ टू इंजॉय सो मच. और वो एक सांप वाली आती थी जिसको जला के और वो सांप जैसे निकलता था. इफ़ यू ऑल्सो इंजॉयड दिस थिंग्स एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड आई वॉन्ट टू नो कि आपके बचपन के मेमोरीज कैसे थे. सो या आई मिस देम अलॉट. बट कोई नहीं, जो होता है उसी को अप्रिशिएट करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं. तो मैंने मम्मी को वीडियो कॉल करा था व्हाइल शी वाज डूइंग पूजा एंड आई दैट वे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड उसके बाद घर पे मैंने सबसे बात करी वीडियो कॉल करके. मैंने सबको विश किया एंड मैं आप लोगों को भी विश किया. ये दिवाली मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि
help somebody, be kind to them, and be kind to others, be kind to people whom you know, whom you don't even know, doesn't matter, but be there for them. Kyunki what goes around comes around. अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो मैं विश्वास रखती हूँ कि आपके लिए भी कुछ अच्छा. कोशिश करिएगा कि दिया सिर्फ आपके घर में भी नहीं, औरों के घर में भी जले, और आप खुशियाँ बांटे सबको, खुद भी खुश रहे और स्वस्थ रहे, अच्छी सेहत रहे आपकी, और हमेशा नो कीप स्माइलिंग नो मैटर वॉट गॉड गिव्स यू. आई थिंक यू हैव द स्ट्रेंथ टू ओवरकम एवरीथिंग. आई होप ये दिवाली आपके लिए भी उतनी ही खास और स्पेशल होगी जितनी कि मेरे लिए थी, एंड आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा फंक्शन का हिस्सा बन के, मेरी दिवाली का हिस्सा बन के. और या दैट्स इट, इसी नोट पे आज ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.